Assalamu alaikum students, welcome to your English class. Today we are going to start our unit number 9, which is a poem, and the title of it is Brothers and Sisters. First I am going to read you the poem, and of course after that we will do the explanation and the difficult words. So let's see what the poem is about. The poem is about brother and sister. It starts like this. Sister, sister, go to bed, go and rest your weary head. Thus the prudent brother said, do you want a battered hide or scratches to your face apply? Thus his sister calm replied, sister, do not raise my wrath, I'll make you into mutton broth, as easily as kill a moth. The sister raised her beaming eyes and looked on him indignantly and sternly answered, only try. Off to the cook he quickly ran. Dear cook, please lend me a frying pan. To me as quickly as you can. And wherefore should I lend it you? The reason, cook, is plain to view. I wish to make an Irish stew. What meat is in that stew to go? My sister'll be the contents. Oh, you'll lend the pen to me, cook? No. Now, you all must be knowing when in a family there are brothers and sisters, so things like that do happen. होता है अक्सर इस तरह से कि चूंकि भाई जो होते हैं वो हमेशा भले छोटे हों या बड़े वो अपने आप को जो है ना दे थिंक के दे आर द मतलब दे आर बिग इनफ इफ इवन इफ दे आर यंगर देन द सिस्टर दे आर बिग इनफ टू गिव देयर सिस्टर्स एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्डर और थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, तो इसी तरह ओवर हियर द ब्रदर इज सेइंग टू द सिस्टर कि भाई अब आप जो है ना मतलब यू मस्ट गो टू बेड. ठीक है, और जाके जो है ना आप सो जाएं. और खामोशी से सिस्टर जो है वो उनको सुनती रहती हैं और साथ साथ मतलब हल्की सी उनको एक थ्रेट भी होती है कि डू यू वांट अ बटर्ड हाइड और स्क्रैचेस टू योर फेस अप्लाइड, यानी कि आप अगर मेरी बात नहीं सुनेंगी और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जाके सो जाएं और अगर आप नहीं सुनेंगी तो इट इज़ पॉसिबल दैट आई मे ऑल्सो पुट सम स्क्रैचेस ऑन योर फेस. सिस्टर, डू नॉट मेक माई रैथ. ठीक है, I'll make you into mutton broth. Now, one more step he is moving forward. और कह रहे हैं कि भाई अगर आप मतलब पहले तो ये कि मुझे गुस्सा ना दिलाएं. ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप जाके सो जाएं तो आप सो जाएं. ठीक है ना, और नहीं तो फिर ऐसा होगा कि जैसे जितनी ईजिली एक मौत को मारा जाता है. ठीक है ना, एक मतलब बारीक से छोटे से टाइनी से इंसेक्ट को मारते हैं, मैं बिल्कुल इसी तरह आपका जो है ना मैं सूप बना दूँगा. तो ना लुक एट द सिस्टर, अब जाहिर सी बात है अब आप छोटे भाई से या बड़े भाई से जब इस किस्म के बातें हम सुनेंगे तो हम खामोश तो हरगिज़ नहीं बैठेंगे, यकीनन हमारा भी कोई रिएक्शन होगा, कोई जवाब जाएगा दूसरी तरफ. तो द सिस्टर रेज्ड हर बीमिंग आईज, नाउ शी स्टेयर्स एट द ब्रदर एंड लुक ऑन हिम. ठीक है ना, और गुस्से से माथे पे बल आ जाते हैं और वो उनको घूर कर देखती हैं और कहती हैं कि ज़रा कोशिश तो करके देख लूँ, यानी कि आप जो ये मुझे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, इज इट पॉसिबल कि आप ये सारी चीज़ें कर लें. अब नाउ व्हेन द सिस्टर सेज सच अ थिंग, तो लड़के को हैरत होती है कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो धमकी दे रहा था कि शायद मेरी बहन मासूमाना तरीके से जो है ना मेरी धमकी सुन के और जाके जो है वो मतलब शील गो टू बेड. बट व्हाट हैपेंस के शी स्टर्न मतलब वो गुस्से से और माथे पे बल आंखें घुमा के उनको देख के कहती हैं ज़रा कोशिश तो करके देख ले. अब जनाब क्या होता है कि दूसरी तरफ ब्रदर जो है वो किचन की तरफ दौड़ते हैं और जाके वहाँ कुक से कहते हैं कि भाई आप मुझे जो है ना फ्राइंग पैन दे दें. तो नाउ द कुक आस्क के भाई आपको फ्राइंग पैन क्यों चाहिए. ठीक है ना, व्हाई डू यू नीड अ फ्राइंग पैन. तो ही सेज इन रिप्लाई
can want to make a stew and an Irish stew. Then the next question of the cook is ke bhai now what are you going to put in the stew, yani ke aap meat kaun sa dalenge. So he replies ke I am going to put my sister as a content of the stew. So you just lend me the frying pan. Okay, and in reply the cook says ke oh no, I will not do that. That's all. Now students, let's come on page number 111 and mark the difficult words. In the first stanza, as you can see, in the second line there is a word weary, and just below that in the third line is prudent. Then it is battered, after that comes scratches, then wrath, broth, beaming eyes, indignantly, sternly. Coming on page number 112, we will have two words from here. In the sixth stanza, stew, and in the seventh is the contents. Okay, so these all were the difficult words, and reading and explanation done, and with this we end part one of our video.